ट्रैक काफी शानदार होने वाला है, काफी मजेदार है। मतलब आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे। मैं यहाँ से यूं जाके यूं ऊपर आया हूँ इस रास्ते से, और अब मैं यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता ये ऊपर ऐसे से जाएंगे। चलो गाड़ी में सामान रखते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। सामान देख रहे हो ऐसे ठुसा पड़ा, सारा सामान देखो, कैंपिंग का सामान लेके आए थे, सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ। तो करता हूँ रेडी, फिर मिलता हूँ आपसे। ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है सीधा सोलांग अटल टनल। अभी से राइट में रास्ता कटता है, पतली सी गली है, तो गाड़ी जा सकती है यहाँ पे। ऐसा नहीं गाड़ी गाड़ी आगे पार्किंग में मिल जाएगी। देखो मैं पिछली बार आया था तो मेरे को मैंने यहाँ नीचे पार्किंग नहीं करी थी, मैंने आगे तक गया था। मैं ऊपर एक मुझे जगह मिल गई थी, आप मत जाना भले अगर आपको सेफ्टी चाहिए। और ना ये जगह जैसे लेफ्ट में ये पार्किंग है, तो ये तंग गली है वैसे भी, मिल जाएगी ये राइट में पार्किंग है। और ये अगर आपकी बड़ी गाड़ी है बहुत, आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो खड़ी कर दो, क्योंकि आप तो ड्राइवर हो, और क्या पता सामने वाला ड्राइवर ना हो वो ठोक दे। अब यहाँ से इसके बाद पार्किंग नहीं है, इसके बाद जो हट जाता है। तो दोस्तों अभी है मार्च का टाइम, मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, और फिलहाल मैं आ गया हूँ जोगनी फॉल्स की तरफ। तो नीचे भी आपको बहुत सारी पार्किंग मिलेगी, उससे बेहतर है कि आप लास्ट तक ऊपर आ जाएं, आपको ये भी पार्किंग मिलेगी। ठीक है, सामने मंदिर है, छोटा सा मंदिर देखेगा आप, इस मंदिर के जैसे सामने आपको पार्किंग दिखेगी। आप यहाँ तक पैदल ना आके अपनी गाड़ी बाइक स्कूटी जैसे आप आ रहे हैं वो यहाँ पर आके खड़े कर दें। हाँ, स्कूटी बाइक के लिए तो आपको ऐसे लोकल में ही जगह मिल जाएगी, आप यहीं कहीं खड़ी कर सकते हैं, और बाकी गाड़ी के लिए आप यहाँ पर ला दो, आपको पैदल चलना कम पड़ेगा, ऊपर तो चलना ही पड़ेगा। चलो आगे चल के दिखाते हैं आप। तो नज़ारे देख रहे हो यहाँ से, ऊपर देखो अच्छा खासा स्नोफॉल हो रखा है। आपको पूरा रास्ता दिखेगा, आपको ऐसे पूरा रास्ता नीचे दिखेगा, साथ साथ ये काफ़ी थोड़ी देर तक मतलब 200 मीटर के बाद ऑलमोस्ट असली ट्रैक स्टार्ट होता है। अभी फिलहाल ये ऐसा रास्ता है, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, इस सीढ़ी पे से आप जाओ, देखो आपको बीच में फॉल्स भी दिख रहा है, और लोग बाइकें यहाँ तक ले आए हैं। अगर यहाँ से चलते हैं ऊपर, ट्रैक काफ़ी शानदार होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार है। मतलब आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा एंजॉयमेंट करेंगे। यहाँ से हम सीढ़ियों से आए हैं, अब यहाँ से हम ऐसे जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे रियल में आपको समझ नहीं आएगी कैमरे में, बट ये बहुत स्टीप हाइट है। अब यहाँ से आप होते जाएंगे ऊपर, यहाँ से आने के बाद मेरे को 2-3 स्टॉल्स मिलने की एक ये है, ठीक है, ऐसे आपको ऊपर भी मिल जाएंगे, बट ऊपर कम मिलेंगे। अब देखो यहाँ से मैं देख रहा था कि ये पहाड़ तो ये है, पर लोग देख रहा हूँ मैं लोग कहाँ पे हैं। तो देखो आपको ये वाटरफॉल दिख रहा है, ये है ना, और लोग देखो कहाँ जा रहे हैं, ये देखो आपको दिखा सकता हूँ मैं कैमरे पर, ये देखो ये लोग चल रहे हैं। तो रास्ता तो सीधा सीधा नहीं होता, घूम फिर के ही होता है। चलो चलते हैं, देखो यहाँ पे लोग दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। तो दोस्तों मैंने अभी नीचे वीडियो दिखाई थी, मैं यहाँ से यूँ जाके यूँ ऊपर आया हूँ इस रास्ते से, और अब मैं यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है ये ऊपर ऐसे से जाएंगे। 10:30 बज गए हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं मेरे हिसाब से, वो ये लोग होटल से 10-12 बजे निकलते हैं, खाना वाना खाते हैं फिर आते हैं। अब देखो रास्ता देखो, अगर यहाँ पे बारिश हो जाए या स्नोफॉल हो तो कितना चिकना रास्ता है ये, इसलिए सामान ज़्यादा लेके ना आए उतना बेहतर होगा। देखो कुछ कुछ पॉइंट्स पे आपको लगेगा कि हाँ मुझे सामान कम लेके आना चाहिए था। अगर आपके पैरों पे अच्छा खासा होल्ड है मेरी तरह तो आप आ जाए। अब देखो इतनी सी हाइट में मैं इतना ऊपर आ गया हूँ, कोई खास ट्रैक नहीं है, ईजी है। अगर आप ज़्यादा तेज नहीं चलेंगे, छोटी छोटी सांस लेंगे, थोड़े थोड़े कदम रखें तो चलते जाएंगे। आ जाओ, चिकने चिकने पहाड़ हैं ये, वो मिट्टी वाले पहाड़ नहीं है, और जहाँ मिट्टी वाले हैं वहाँ पे पैर फिसलेगा। ये हाइट है, अगर मैं हाइट दिखाऊँ तो आपको, ये हाइट है। मेरा फ़ोन अभी बिल्कुल सीधा है, अगर मैं सीधा करूँ ऐसे ठुक जाएगा फ़ोन, ठीक है। तो आप देख रहे हो मेरे को बिल्कुल एकदम से ऊपर जाना ही है, ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको हाथों यूज करना ही पड़ेगा, ये ऑलमोस्ट 1.5 मंजिल ऊपर आ गया हूँ मैं इतनी जगह में,
अब आपको देख लो एक मंजिल चढ़ने में कितनी दिक्कत होती है, थोड़ी सांस मेरी भी फूल गई है, बट देख लो आपको कितनी दिक्कत होती है। चलो आ जाओ दोस्तों, देखो मैं कहाँ से आ गया हूँ। नीचे देखो आप, नीचे देखो, मेरे पीछे देखो आप, दिखाता हूँ आपको। रास्ता तो दिखेगा ही नहीं खास, क्योंकि रास्ता छुपा छुपा सा है। देखो लोग हमारे ऊपर चल रहे, देखो देखो कोई खास दूरी पे नहीं है ऐसे, बट देखो कितना ऊपर है। चलो अब आगे चलते हैं। मुझे लग रहा है थोड़ी सी हाइट और अटेंड करेंगे हम तो इन स्नो वाले माउंटेन्स के सेम हाइट पे हम भी आ जाएंगे। बंद बैठने, वो क्या रास्ता नहीं आगे से यहाँ से भाई, फाइनली रास्ता ही नहीं मिला क्या करें, रास्ता ही नहीं है। अब हेलीकॉप्टर तो है नहीं यहाँ पे ना, अपने पैरों के हेलीकॉप्टर बनाओ, चलते हैं। चलो भाई कहाँ से रास्ता है? अरे यार पता नहीं अभी तुम कह रहे थे यहाँ से रास्ता है। इतना ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल भी काफ़ी दिख रहा है ना यहाँ पे, तो मुझे लगता है हमें ट्राई तो करना ही चाहिए। रास्ता ही नहीं मिल रहा है, देखो सारे लोग खड़े हुए पीछे सारे लोग खड़े हो गए हैं। ये दो लड़के आए, ये कह रहे रास्ता नहीं है, अब देखते हैं आगे रास्ता है या नहीं। हो चलो है जगह, उनको पता नहीं था उन बच्चों को ना, तो जगह है। चलो चलते हैं, ये कुत्ता बढ़िया गाइड कर रहा है। आ जाओ रास्ता है। भाई मैं हिमाचल आया था, मुझे लगा था हिमाचल के लोग अच्छे होते हैं, साला हिमाचल के कुत्ते भी अच्छे होते हैं। मैं चल रहा हूँ देर से, मेरे साथ साथ कुत्ता चल रहा है। मैं जोगनी वाटरफॉल में हूँ, सांस फूल दिया, और कोई बंदा नहीं था यहाँ पर रास्ता दिखाने। हम हल्के हल्के हम हल्के चले जा रहे हैं, बातों में तेरी हम, आंखों में तेरी हम खोए जा रहे हैं। जाना है कहाँ, पाना है कहाँ, अरे भाई साहब हम खोए जा रहे हैं। मार्वलस, वंडरफुल, दिस इज बिजनेस, दिस इज ऑसम। यार ये पेड़ देख रहे हो आप, इसका तना इतना मोटा है जितना आपका दिमाग भी नहीं सोच सकता भाई यहाँ पे मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। कहा जो पसीने आ गए थे ना, मैं तो भाग के आया, मेरे को पसीने आ गए, आप नहीं भागोगे तो पसीने नहीं आएंगे। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है, ब्रेथ टेकिंग व्यू। लेट 20s में पहुंच चुका हूँ ऑलमोस्ट, और यहाँ पे ट्रैक करने के बाद मेरे को लग रहा है कि नेचर के साथ साथ आपको अपनी हेल्थ सुधारने की जरूरत है। क्यों, नेचर तो जैसा है वैसा रहेगा, पर सालों तक रहेगा, धीरे धीरे बिगड़ेगा। हम तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे ऐसी चीज़ें इंजॉय करने के लिए, हमें अपनी हेल्थ को ठीक रखना होगा। तो देखो भाइयों, ये लड़कियों के चक्कर में क्या हो रहा है, कोई आई होगी हील्स पहन के, फिर नंगे पैर जाना पड़ा वापस, तो ऐसी बचकानी रखते ना करें। अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे द ग्रेट जोगनी फॉल्स, वहाँ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आने का रास्ता कुछ यहाँ से है, और जाने का रास्ता वापस नीचे आने का रास्ता यहाँ से है। तो चलो दिखाता हूँ, मेरे पूरे फेस पे छीटे छीटे आ रही, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ड्रिजल, देखो आप, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको दिख पाए तो। ये देखो कैसे बूंदे यहाँ से, कितनी छोटी छोटी बूंदे आ रही है यार, मेरे को चश्मा उतारना पड़ेगा अपना, पर उसके बिना मैं अंधा हो जाऊँगा, छोड़। तो दोस्तों मैंने छतरी निकाल ली है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा हो कितनी तेज वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, देखो ये देखो, तो इसलिए मैंने छतरी निकाल ली है। और अब फिलहाल मैं चलता हूँ दिखाता हूँ। बहुत खतरनाक है भाई, हो बहुत खतरनाक। अबे मैं उड़ जाऊंगा आपको, यार
म्यूजिक पार्क में आपका स्वागत है। दोस्तों ये देखो, ये जैकेट के ये हाल हो चुके हैं, पूरी भीग चुकी है। पता नहीं मेरी आवाज आपको आ रही होगी नहीं आ रही होगी, यहाँ से व्यू एंजॉय कीजिए। खतरनाक हवाएं चल रही है, मैं पूरा भीग चुका हूँ ऊपर से नीचे तक, बार बार कैमरा साफ करना पड़ रहा है, और ये इतना स्लिपरी है कि मैं बता नहीं सकता, बहुत स्लिपरी है, बट अल्टीमेट फन। देखो गाइस, मैंने ये दो चीज ली, वो यहाँ से ही कोल्ड बढ़िया।